सदर टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये देखिए स्थल कमल का पौधा है। ये एकदम इसके फ्लावर गुड़हल जैसे ही होते हैं, पत्ते चेंज होते हैं, ऐसे लग जैसे कपास के पौधे के पत्ते हों वैसे हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है। हाँ, फ्लावर देखने में सुंदर लगते हैं, ये कई कलरों में होता है लेकिन खुशबू नहीं होती है। और इसमें ऐसे गुच्छे में बिल्कुल कलियां बनती हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, और इसमें दो बार ये फ्लावर अभी तक में हमें मिल चुका है। हम ये नर्सरी से छोटा पौधा लाए थे, बहुत ही छोटा, फरवरी में, तो मुझे अप्रैल में मिला। इसके बाद मई जून में कलियां तो बनी, लेकिन कलियां हाई टेम्परेचर के कारण गिर जाती थी। इसको 16 से 32 तक का टेम्परेचर यानी 35 तक का पसंद है, और जैसे ही मई में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसकी कलियां तो बनी मई में, लेकिन गिर जाती थी, इसमें फूल नहीं आए, पीली पड़ के झड़ जाती थी। और ये देखिए बहुत ही छोटा पौधा था, तो मैं स्टार्टिंग फरवरी लेकर आई थी, और धीरे धीरे देखिए कितना ग्रोथ हो गया। ये जुलाई है, आज 23 जुलाई है, तो लेकिन दोस्तों इसमें, और अभी इसमें फ्लावर खिला था। अभी मानसून सीजन है, इसका बेस्ट सीजन है, इसमें अच्छा फ्लावरिंग करता है। बस मिट्टी मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा कीचड़ युक्त मिट्टी में ये जल्दी ख़राब हो जाता है पौधा। तो अभी इसमें मिट्टी थोड़ा कम थी, मैंने मिट्टी डाला है, ये देखिए गोड़ा किए हैं और फिर मिट्टी डाले हैं। तो अभी इसमें हम खाद देंगे कि जो ये ढेर सारी कलियाँ बनी हैं, ये ढेर सारी कलियाँ जल्दी से फूल इनके बन सके। अभी फूल खिले भी थे, तो इसके पहले भी मैंने अच्छी फर्टिलाइज़र दिया था, जिससे इसमें फ्लावर भी आए और ढेर सारी कलियाँ भी बनी हैं और ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। और दोस्तों इसमें मिली बग लग गया है। अभी हमारे यहाँ 6-7 दिन से बिल्कुल पानी नहीं गिरा है, तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा ये मिली बग ये लग गया है। ये इसमें बहुत जल्दी अटैक होता है। इस अभी इधर इसमें नहीं लगा है ये मिली बग, इधर साफ़ है, लेकिन ये लग गया है। ये नीचे भी ये देखिए एक मिली बग ये लगा हुआ है, जो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाइट वाइट ये लगा हुआ। तो ऐसे को लकड़ी, ये मैं किसी लकड़ी वगैरह से निकाल दें अभी हाथ से, तो उसमें झड़े ना, और पानी का इस पर दे दें तो ये निकल जाता है। लेकिन जहाँ ऐसे कलियों के पास लग जाता है, यहाँ भी अगर थोड़ा सा इस पर पानी का कर दें तो निकल जाएगा। ये देखिए ये लगा है, और ये चींटी भी बन गई हैं, अभी स्टार्टिंग है। तो हम इस तरह का जो ये नीम है, ये नीम की घर में रखी रहती हैं पत्तियाँ, आपके पास हो या अगल बगल हो, तो इतनी नीम की पत्तियाँ 1 लीटर पानी में जल्दी से बॉयल कर लें, छान के 3-4 बूंद शैम्पू या कोई भी लिक्विड साफ डाल के आप इस पर कर सकते हैं, उससे चला जाता है स्टार्टिंग मिलीबग। और या कि फिर ये साफ फंगीसाइड थोड़ा मिट्टी में भी डाल दें, और थोड़ा सा 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं शाम के वक्त, इससे भी मिलीबग चला जाता है। और जैसे गुड़हल में लग जाता उसी तरह का ही लगता है। और बाकी अगर ऐसे लगते हैं तो आप इसको किसी ब्रश की मदद से, ये देखिए लगा हुआ है, झाड़ सकते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग, बाकी सब में नहीं लगा है, तो ये लगता है मिलीबग के इसमें अटैक होता है जैसे और गुड़हल में होता है। और दोस्तों इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल सेम गुड़हल जैसे है, थोड़ा चेंज होता है, और देखने में बड़े बड़े फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। खुशबू ज़रूर इसमें नहीं होती है, और फर्टिलाइज़र और जो धूप है पानी है सेम गुड़हल जैसे ही इसकी केयर है। तो दोस्तों इसमें हम ये गुड़ा कर लिए हैं, मिट्टी भी डाले हैं, ये थोड़ा सा हम लाल पोटास इतनी सी 1 टीस्पून डाल देंगे ये गुड़ा करके। और इसके अलावा हम 15 दिन पहले डाले थे नीम खली, राख, सड़ी हुई गोबर की खाद और 5-6 दाने DAP के डाले थे, तो अब DAP नहीं देंगे। उसकी जगह पर ये हम, पौधा छोटा है, 2 गिलास पानी में 1 टीस्पून ये कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। इसमें अच्छा पोटास की मात्रा भी होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें कई तरह के खनिज और मिनरल होते हैं, विटामिन, जो सभी इसमें आवश्यक पोषक तत्व ये दे देंगे, और ये जल्दी फ्लावर खिलेंगे। आप बनाना पील भी डाल सकते हैं, लेकिन जब पानी गिरे तो बनाना पील ना दें, उसकी बजाय आप नीम खली डाल दें। नीम खली NPK का अच्छा स्रोत है, और थोड़ा सा राख फिर डाल दें, लेकिन राख की मात्रा ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा ही, पौधा छोटा है। और ये लाल पोटास तो बहुत ही अच्छी होती है फ्लावरिंग के लिए। तो और धूप दोस्तों, इसको पूरे दिन की धूप इसमें मानसून में मिले कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम धूप आती हो, 3 से 4 घंटे की धूप इसमें लगना बहुत ही आवश्यक है, तभी अच्छे फ्लावरिंग आएंगे।
तो नमस्कार दोस्तों।